बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का स्पोर्ट्स गाला है। इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भरपूर तरीके से शिरकत कर रही है। हम इधर अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं और ये एसोसिएशन ने हमारे साथ बहुत तआवुन किया है और हम इधर लोगों को एग्स और चिकन के बारे में, इनकी अफादियत के बारे में बताएंगे। यहाँ ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्कूल के बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं और ये शाम तक जारी रहेगा और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इसमें भरपूर तरीके से शिरकत कर रही है। यहाँ माशाल्लाह सुबह से ही 8:30 बजे से ही स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये इफ्तिताह तकरीबन आधे घंटे तक इसका इफ्तिताह यानी कि तकरीबन 10 बजे तक इसका इफ्तिताह हो जाएगा और माशाल्लाह इधर बड़ी रौनक है और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने अपना पैगाम बड़े अच्छे तरीके से बैनर्स लगा कर और पंफलेट तकसीम कर कर और लोगों को लेक्चर देकर ये सारे मकासद हम हासिल करेंगे, ताकि क्योंकि हमारा नारा है हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान और ये स्कूल के बच्चों को जो बच्चे हैं उनको खुराक की अहमियत के बारे में बता रहे हैं और साथ साथ जो इनके उस्ताज़ा हैं उनको भी हम इससे मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये फंक्शन जिस तरह ये इसकी शुरुआत हुई है ये शाम तक इसका बूम और ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी तादाद में वफाकी वज़रा और इंतज़ामिया इसमें शिरकत कर रही है और मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स में हेल्थी इवेंट्स में भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए और इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए कि होगा प्रोटीन का तब होगा प्रोटीन की कमी का खात्मा तब बनेगा सेहतमंद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।